मुल्क आज अपना 74वां यौम जम्हूरिया मना रहा है। इस मौके पर करतुया पथ पर शानदार परेड का अहतमाम किया जा रहा। परेड में मुख्तलिफ थीम की झांकियां नजर आ रही। इस साल मिस्री सदर अब्दुल फतेह यौम जम्हूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत कर रहे। दरअसना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को 74वीं यौम जम्हूरिया के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए आज़ादी पसंदों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश की है। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया, यौम जम्हूरिया की बहुत सी नेक ख्वाहिशात। इस बार का ये मौका इसलिए भी खास है कि हम इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम मुल्क के अजीम आज़ादी पसंदों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ जाएं। वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज 74वीं यौम जम्हूरिया के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए आज़ादी पसंद आइन साज और बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश किया है। अमित शाह ने ट्वीट किया, 74वीं यौम जम्हूरिया पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आज मैं उन तमाम आज़ादी पसंदों आइन साजों और बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी है। इस और ट्वीट में वज़ीर दाखिला ने सबको बनिस्बत पंचमी की मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने कहा कि पंचमी की मसर्रत त्यौहार पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इल्म हिकमत और सवाबदीद की देवी माँ सरस्वती आप सबकी जिंदगियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दे।